हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं प्रीतम चौधरी, डेमो गेमर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसमें आईफोन जो यूज़र्स हैं वो पीसी पे अपने वीडियोस कैसे डालें, और उसमें उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे आईफोन की मेमोरी फुल हो गई है तो उनको डेटा कैसे ट्रांसफ़र करना है, या वीडियो एडिटिंग के लिए किस तरीके से फ़ोटोज़ और वीडियोस सिस्टम के अंदर लैपटॉप्स में डालें, तो उसके लिए बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। उसी के ऊपर मैंने भी काफ़ी चीज़ें देखी, मेरे को भी प्रॉब्लम्स हुई। ये मेरा पुराना 11 है, ये 11 प्रो मैक्स, ये 13। तो वायरलेसली किस तरीके से डेटा ट्रांसफ़र करें, बड़ी फाइल छोटी फाइल स्पीड से भी हो जाए, तो उसी को मैं आज आपको ब्रीफ करूँगा। वो बहुत ही शानदार वीडियो बनने वाला है, तो वीडियो पे बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दो भैया। तो हम क्या करने वाले हैं, मेरे पुराने वाले आईफोन 11 प्रो मैक्स की मेमोरी फुल हो गई है ऑलमोस्ट। मैं आपको दिखाऊं, ये देखो मेरा 11 प्रो मैक्स जो है उसकी उसमें स्पेस ना के बराबर बचा है। अब मैं चाहता हूँ इसको कुछ खाली करूँ मैं, तो आप देखो किस तरीके से खाली करते हैं, और वायरलेस तरीके से खाली करेंगे, और स्पीड आप देखना, आप बताना। शेयर करो ऐप जो है सिक्योरिटी के हिसाब से मेरे को सही लगी। मेरे को नहीं लगता इसमें से डेटा किसी तरीके से लीक होता है, क्योंकि ये सर्वर पे नहीं जाता है, डायरेक्ट ही ट्रांसफ़र हो रहा है। आप फ़ोन देख लो, मैंने किसी तरीके से कनेक्ट नहीं कर रखा। मेरा जो सिस्टम है वाईफाई से कनेक्ट है, बट फ़ोन किसी तरीके के वाईफाई से कनेक्ट नहीं है। कोई बोलेगा कि स्पीड इसकी वजह से आ रही हो या कुछ हो, कुछ भी एक्स वाई जेड। से टू पीसी पे क्लिक करता हूँ एंड स्कैन एंड जॉइन। आप चाहो तो विदाउट वाईफाई कनेक्ट किए भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप दोनों जगह देख पा रहे हो कि कनेक्ट हो गया है, यहाँ पे ऑनलाइन शो कर रहा है एंड यहाँ पे भी ऑनलाइन शो कर रहा है। ओके, तो एक फाइल ट्रांसफ़र करते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मेरे को देखने में। चलो पहले एक छोटी फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, 28 सेकंड की फाइल है, और देखते हैं क्या है। वाह, पहुँच गई, आप देख पा रहे हो। ओके, चलो एक बड़ी फाइल ट्रांसफ़र करके देखते हैं। 4 मिनट की फाइल है। ओके, सेलेक्ट कर लिया मैंने और फाइल ट्रांसफ़र होने लग गई। 239 MB की फाइल है और आपकी आंखों के सामने 4 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 0 फाइल हो गई ट्रांसफ़र। ओके, आपने देखा, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, कैमरा लाइव है, मैं आपको दिखा देता हूँ, डिसकनेक्ट हो गया है। अच्छी बात और बुरी बात यही है कि जब भी ट्रांसफ़र हो फ़ोन की स्क्रीन बंद नहीं होनी चाहिए, किसी भी हालत में फ़ोन की स्क्रीन ऑन रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही फ़ोन की स्क्रीन बंद होगी डिसकनेक्ट हो जाएगा। अब मैं चेक कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि फ़ोल्डर सही जगह आया है कि नहीं आया है, और डेटा है भी नहीं है, पता लगे मैंने आपको बोला और एक्चुअल में है नहीं, फिर कुछ लोग कमेंट डालते हैं। 4 मिनट की फाइल थी, 239 MB की फाइल थी, ये टाइम आप देख लो सेम टाइम पे। ओके, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी अब पुराना आईफोन हो नया आईफोन हो, सबको वायरलेसली ट्रांसफ़र कर सकते हो डेटा, वो बहुत ही स्मूथली स्पीड से ट्रांसफ़र कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच।